कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और प्रशासन से पालन कराने के लिए निर्देश दे रही है, लेकिन गाजियाबाद में जो तस्वीरें आंखों के सामने आई वो हैरान और परेशान करने वाली है। दरअसल घंटाघर रामलीला मैदान में ट्रेन से बिहार जाने वाले प्रवासी मजदूरों को थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए रोका गया। देखते ही देखते पूरा रामलीला मैदान लोगों की भीड़ से उमड़ पड़ा। मजदूरों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आई, जबकि आला अधिकारी वहीं पर मौजूद थे। आपके सामने अलग अलग दो तस्वीरें हम यहां पर दिखाएंगे और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से प्रशासन की नजरों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इस तरह की तस्वीरें देखने के बाद सवाल अब यही उठता है कि क्या इस तरह से कोरोना की चेन टूट पाएगी। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर एक तरफ रामलीला मैदान में किस तरह से भीड़ उमड़ी है ये आप देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ बसों में किस तरह से ये प्रवासी मजदूर भरकर जा रहे हैं। तो सोचिए, जहां सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है तो वही प्रशासन से भी अपील कर रही है कि लोग खुद इस जिम्मेदारी को समझें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन से भी ये कहा गया है कि आप लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करवाएं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जा उड़ती हुई तस्वीरें आपके सामने हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि कितनी भीड़ है यहाँ पर, और अगर इनमें से कोई कोरोना संक्रमित हुआ तो उसके बाद सोचिए कि आखिर में तादाद आगे क्या नजर आएगी। तो दो तस्वीरें काफी हैरान कर देने वाली और ये सवाल उठा देने वाली कि क्या इस तरह से कोरोना की चेन को देश तोड़ पाएगा, जहां एहतियात बरते जा रहे हैं, जहां सरकार तमाम तरह की व्यवस्थाएं कर रही हैं, और उन व्यवस्थाओं के बावजूद अगर हालात ऐसे ही नजर आएंगे तो कोरोना को मात देश कैसे दे पाएगा। तो जहां तक आप नजर दौड़ाइए वहां तक भीड़ ही भीड़ लोगों की नजर आ रही है। रामलीला मैदान का ये नज़ारा है जहां पर थर्मल स्क्रीनिंग और पेपर वेरिफिकेशन के लिए लोगों को लाया गया, बिहार जाने वाले ये लोग हैं, लेकिन इस बीच इन लोगों में कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। तो प्रशासन कहीं ना कहीं आंख मूंदे हुए बैठा हुआ है, प्रशासन जाग नहीं रहा है। हालांकि सरकारों की तरफ से कई बार गाज भी गिर चुकी है प्रशासन पर, अधिकारियों पर, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करवा रहे हैं और उसके बाद नज़ारा कुछ इस तरह से यहां सामने आता है। तो लापरवाही की ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने जो बयां कर रही हैं कि किस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है, आगे आ रहा है, लेकिन कोरोना का यहाँ पर खत्म नहीं हो रहा है संक्रमण। और अनिल चौधरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, ये दो तस्वीरें हम देख रहे हैं, एक तस्वीर रामलीला मैदान की है जहाँ पर पेपर वेरिफिकेशन हो रहा है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, प्रवासी मजदूर हैं जो अपने घरों को जाने के लिए निकले हैं, तो दूसरी तरफ किस तरह से उन्हें घर भेजा जा रहा है। न सिर्फ बस के अंदर खचाखच लोगों की भीड़ है बल्कि उसके ऊपर भी जहाँ पर सामान रखने की व्यवस्था होती है वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। क्या ऐसे कोरोना को हम मात दे पाएंगे? क्या ऐसे कोरोना की चेन टूट पाएगी? देखिए रितु, मैं आपको बता दूं, बड़ी लापरवाही जो है जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ देखी जा रही है। वेरिफिकेशन के नाम पे यहाँ आप देखते, मैंने आप विजुअल भेजे हैं आपको, उसमें साफ देख सकते हैं दर्शक भी कि जो लोग हैं वेरिफिकेशन के लिए लगभग यहाँ से 12 से 13 लोग यहाँ सिर्फ बैठे हुए हैं। और जो मजदूरों की अगर संख्या की बात करें तो मजदूर यहाँ पर तकरीबन 5000 से 5-6 हजार मजदूर यहाँ पहुंच चुका है, हजारों की संख्या मजदूर है यहाँ पर। वेरिफिकेशन हो नहीं पा रहा है, लोग परेशान हैं। 2 दिन से लगातार जो है मजदूर रामलीला ग्राउंड के अंदर बैठे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा है कि जो मजदूर है उनको सकुशल उनके घर भेजा जाए। क्या इस तरीके से ही सकुशल भेजा जाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पालन नहीं कराया जा रहा है। ये बताइए, क्या यहाँ पर कोई अधिकारी मौजूद है? क्या उनसे बातचीत की गई? क्या वहाँ पर ये सवाल उठाया गया कि आखिरकार सरकार ने जो आदेश दिए हैं उनको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, एडीएम यहाँ पहुंचे हुए हैं, अभी जब हमने खबर चलाई उसके तुरंत बाद प्रशासन जो हरकत में आया, एडीएम यहाँ खुद पहुंचे हैं, एसपी सिटी पहुंचे हुए हैं। पर कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि मजदूर इतने ज्यादा हैं, प्रशासन का हाथ पैर फूल चुके हैं,
उस हिसाब से काबू नहीं कर पा रहे हैं। लगातार जो है प्रयास जो है यहाँ करा जा रहा है, पर उस हिसाब से नहीं है, कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति इसमें कोरोना से संक्रमित हुआ तो वो यदि अपने गंतव्य स्थान तक जाएगा, वहाँ की स्थिति भयावह होगी, क्योंकि इस तरीके से यदि प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ देखी जा रही है रामलीला ग्राउंड में, वो अपने आप में गलत मैसेज जो है जा रहा है और लगातार जो है लोगों की जान से खिलवाड़ जो है गाजियाबाद प्रशासन कर रहा है। चलिए, धन्यवाद आपका फिलहाल अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए।